सिंह चौहान, जो कि अब केंद्र में उनकी एंट्री, मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली, कृषि मंत्रालय वो संभालेंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय संभालने वाली हैं और पिछले कार्यकाल में भी उनके पास में वित्त मंत्रालय ही था और इस बार भी इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि वो वित्त मंत्रालय ही संभालेंगी। बता दें कि वो दूसरी ऐसी महिला है जो कि केंद्र की सत्ता में बजट पेश कर चुकी हैं। अब इनका नाम भी, क्योंकि लगातार वित्त मंत्रालय संभालते हुए बजट पेश करते हुए अरुण जेटली और मनमोहन सिंह के बराबर आ चुका है। सबसे कह सकते हैं कि राजनीति में वित्त मंत्रालय को संभालते हुए एक मजबूत महिला के तौर पर निर्मला सीतारमण अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। वहीं जीतन राम मांझी, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग इनके खाते में आया है। तो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो लघु उद्योग जो मंत्रालय है वो उनके खाते में आया। तो धीरे धीरे करके जो तस्वीर है वो साफ हो रही है कि कौन सा विभाग किसको मिल रहा है, कौन सा नेता कौन सा मंत्रालय संभालेगा। तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय संभालेंगे और जीतन राम मांझी जो कि लघु उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। तो मोदी सरकार में किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नितिन गडकरी, अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा और एस जयशंकर। तो सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के नाम है, अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री और वहीं एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्रालय संभालने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो रेल मंत्रालय राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय अमित शाह, गृह मंत्रालय अजय शंकर, विदेश मंत्रालय, ये चारों जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वो नेता हैं, वो सांसद हैं, वो मंत्री हैं जो कि पिछले कार्यकाल में इसी पोर्टफोलियो के साथ में सरकार में काम कर रहे थे। मनोहर लाल जो कि नए नवेले यहां पर मंत्री बने हैं, ऊर्जा मंत्रालय वो संभालेंगे। श्रीपद नायक ऊर्जा राज्य मंत्री बनाए गए हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पिछली सरकार में भी थी। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के खाते में आया है। तो देखिए यहां पर लगातार एक एक करके जानकारी आपको दी जा रही है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय इनके खाते में आया है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्टर यहां पर धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है और शोभा करंदलाजे लघु उद्योग राज्य मंत्री बनाए गई हैं। तो आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। आमिर, देखिए मोदी सरकार में कौन से मंत्री को कौन सा विभाग कौन सा मंत्रालय मिलेगा, अब इसकी जो तस्वीर है धीरे धीरे साफ हो रही है और जितने भी नाम अभी तक सामने आए हैं उनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि रिपीट होंगे और वाकई में वो रिपीट हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से न्यूज स्टेशन ने भी लगातार ये बात पहले ही रखी थी सामने कि जो तमाम मंत्रालय है वो रिपीट हो सकते हैं, उसमें अश्विनी वैष्णव को मंत्रालय जो है वो दिया गया है, रेल मंत्रालय दिया गया है और ये भी सूचना आ रही है कि अश्विनी वैष्णव को पर भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है और रेल मंत्रालय में तमाम प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अश्विनी वैष्णव क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे लगातार और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है उसको देखते हुए उनको रिपीट किया गया है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि पूरी पूरी लिस्ट जो है अब लगभग धीरे धीरे तस्वीर सामने आने लगी है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रहेंगी, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय उनको दिया गया है जो पहले भी था उनके पास, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहले भी थी, धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री रहेंगे, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री और रेल मंत्रालय भी है, ये थोड़ा सा क्लैरिटी अभी कुछ ही देर में हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि किसान कल्याण और पंचायती राज होगा, मनोहर लाल खट्टर के पास जो है शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा रहने वाला है, जीतन राम मांझी जो है एमएसएमई सेक्टर जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए तस्वीर बिल्कुल लगभग क्लियर हो चुकी है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, ऐसी तमाम तस्वीरें अब सामने आने लगी। जो अहम मंत्रालय है देखिए उसमें बिल्कुल लगभग